तो गाइस यहाँ पर देखो एक पेटी बन गई है मिलने। बताओ बताओ। हमारे वहाँ तीन प्रकार के आलू होते हैं। हाँ। ये रहे जंगली अंगूर, इसको बोलता है कुरैनी। ये होता है जंगलों में जब ये काला। लोग इतने प्यारे लग रहे हैं और यहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, फायदा क्योंकि तीन दिन की बारिश बताई है कल से और बादल इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा। मैं तो सोच रही थी पहले हम नीचे नदी में नहाऊंगे, पर कहाँ से नहा सकती। और हम इसको भी लेके जा रहे हैं ऊपर रोड तक। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं हल्ली के कदीरे से। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग आड़ू वगैरह तुड़ाई चल रही है और सामने बॉक्स पेटी वगैरह रखी है, इसे पैक होकर जाते हैं आड़ू, देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं खेतों में घूमने के लिए, मैं और मेरे पति देव। और यहाँ है नींबू का पेड़ और सामने की चट्टान आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊँची है, वहाँ से पूरे ऐसा और नीचे है इसमें नदी, एक रास्ता यहाँ से। और ये रात आएगा गोट, यहाँ गाय बकरी मिल जाएगी आपको। और इधर है मेरे भाई का गोदाम, ये तारा दत्त। सो गाइस इसमें लगे छप्पे टीडीपी, मतलब तारा दत्त पांडे मेरे भाई का नाम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नदी की ओर और रास्ता कुछ ऐसा है, आपको लेके चलते हैं नदी में। और यहाँ हो रही है नाशपति, यह है तुमड़िया। कल जो थी वो थी क्या रखा हमने उसको, एक और होती है उसका नाम भी अभी याद नहीं आ रहा, वो थी ये है तुमड़िया। और ये देखो यहाँ रील बन रही है। और रास्ता इतना डेंजर है यहाँ से नीचे, आ जाओ और दिखा दे तुम जहाँ बादल फटा गए थे। सो गाइस अभी जब इससे पहले बादल फटा था कह रहे थे ना रामपुर की साइड में, आप लोगों ने पता ही सुना ही होगा, तो उसमें मेरी ताई का पूरा बगीचा देख सकते हैं। यहाँ से पूरा जो नदी थी वहाँ से उधर जाती थी और यहाँ बीच में पूरा गार्डन मतलब था बगीचा था, तो ये बीच से इन दोनों चीज़ों को करके बीच से यहाँ से कट गया पूरा, तो पूरे के पूरे पत्थर बगीचे में आके सारा नुकसान हो गया। और यहाँ कद्दू ककड़ी की झील कितनी बड़ी बड़ी हो रही है मेरी मम्मी के यहाँ भी हरी होने बताओ। अच्छा, और यहाँ पे वो देख सकते हैं आप लोग पानी का धारा है और बाल्टी भी लेकर है कोई पानी भरने के लिए। तो यहाँ का पानी इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा। मैं तो सोच रही थी पहले हम नीचे नदी में नहाओगे, पर कहाँ से नहाते, इतना ठंडा लग रहा। मेरे पति ने भी हाथ में हार मान ली, मुझको नहाओगे तुम नहाओगे। और यहाँ पर हो रही है शिमला मिर्च, देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च हो रही है। पथरीले वाली मिट्टी में ना इतने सारी सब्जियां वो दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपर भी शिमला मिर्च है वहाँ भी शिमला मिर्च है। वो इनके ये यही का है मंडी से वाले। और यहाँ मिल गई मेरे को ताई। नमस्कार, गली में कैसे लगती हूँ? और सब ठीक हो रहा? आप कैसे हो? ठीक हो रखा है, अच्छे हो रहा हमारा ये। आड़ू की पेटी लेकर देखो ताई को। मंदिर आ रही होगी ऐसे आई हूँ नीचे को। अच्छा, नहाया कहाँ है, ठंडा लग रहा ये आज, इतना गर्म हो रहा है ये। तुम तो पसीना पेटी सार रहा तब होती। और यहाँ पे है एक शिवालय, सामने शिव जी बैठे। अरे चाह तो रही हूँ मैं, वहां जा रही हूँ पहले। और ताई क्या पहन दिया तूने, पजामा? सो गाइस आप लोग देख सकते हैं सामने व्यू कितना प्यारा आ रहा है, इतना प्यारा। बाबा रे, बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, फायदा क्योंकि तीन दिन की बारिश बताई है कल से और बादल लग चुके हैं। तो पति देव जल्दी निकलने में फायदा है, बादल देखो ऊपर और नदी बह रही है, बादल दिख रहे हैं ऊपर, चिड़िया चहचहा रही है, मतलब पूरा पहाड़ी वाला जीवन यही है। और मेरे पति देव की रील बन रही है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं मंदिर से उधर गधेरा पार करके। तुम्हें नहाना है, नहाना है? इस जगह में ना पहले ये जो जगह दिख रही है सामने, यहाँ पर हम मछली पकड़ के मारा करते थे, फिर खाया करते थे यही। इसी जगह पर मछलियाँ बहुत सारी मिलती थी, तो आज तो मछली दिख भी नहीं रही है, फिर छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, वैसे वो बच्चे हैं मछली के, बड़ी बड़ी पत्थरों के नीचे घुसी होगी।
सभी यहाँ से चलते हैं अब घर को, मतलब घर को नहीं, अब एक जगह अभी आप लोग को और दिखाती हूँ मैं, जहाँ पर नहा भी सकते हैं। पर ये पानी में ना, यहाँ के पानी में मतलब लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पुलम के पेड़ हो गए हैं खाली, ये कर सकते हो। और हमारी सासू माँ भी पहुँच चुकी है, ये जल्दी जाने वाले यहाँ पहुँच गए हैं। ओ वहाँ पर से कैसा है, ओ वहाँ पर से इतना बड़ा, ये तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए बच्चे, क्या हो गया तेरा आई कब से नहीं है ना, कॉलेज जाने लग गयो अब है है रे कॉलेज कहाँ जाते हैं, नैनीताल हल्द्वानी, अच्छा हाँ फिर हल्द्वानी, हल्द्वानी में दिक्कत तो वैसे क्या है अगर कोई हो तो, वरना रोड में तेरा यहाँ तो नैनीताल तो उतना पैदल चलना पड़ता है वो। अभी जाते हैं, पेट दर्द वाले भी आ गए हो, ठंडा हो गया वहाँ पानी देख वापिस आ गए हम, अब जा रहे नहाने वाली जगह यहाँ को है, कहाँ है शिमला मिर्च ले जाओ, मैं करेले खाती हूँ, मत लेके आना कोली जानो कह दो, ले जा फिर तोड़ के मेरी बराबर कब तोड़ेगी, चार तोड़ के ना, कहाँ पर हो रहे ये वो अम्मा के साथ बारी करेले हो रहे हैं। सो गाइस यहाँ हो रखे करेले ताए के, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितने घर में करेले मरेले करेले शिमला मिर्च सब ये हो रहा भाई। हमारा क्या है टमाटर, ओ ताई टमाटर कहाँ लगाया तूने, ये रहे जंगली अंगूर, इसको बोलता है कुरैनी, ये होता है जंगलों में, जब ये काला हो जाता है ना बिल्कुल काले अंगूर देखे ना वैसे ही होता है इसका कलर, तब इसको खाते इतना टेस्टी होता है ना, बाप रे कितने सारे हो रखे हैं यहाँ, ये देख सकते हैं आप लोग, सो गाइस ये मुकू के ऊपर जो सर पेड़ है ये है अनार का पेड़, इसमें भी फूल आए हैं, अब कुछ दिनों बाद इसमें दाने भी लग जाएंगे, और यहाँ से ऊपर को भी सारा बगीचा ही बगीचा है यहाँ, और वो रहा सामने को, सामने मंदिर घूम जूगा, और चलते हैं यहाँ से पानी की ओर आ जाओ, और यहाँ नहाने वाला भी है मेरे पति, यहाँ पर अभी आपको नहा के दिखाएंगे, देख सकते सामने का मौसम और ये पानी बहता हुआ, ऐसा मन कर रहा नदी के किनारे अपना एक घर बना लो छोटा सा पहाड़ी स्विमिंग पूल, और मैं और तुम यहाँ रहेंगे पहाड़ी स्विमिंग पूल है, भाई ताई बताएगी आपको कितने टाइम के आड़ू होते हैं और कहाँ जाता है आड़ू यहाँ से, और अभी कौन सा वैरायटी चल रही है क्या चल रही है, थोड़ा सा ताई को शर्म आ रही है, कोई बात नहीं अभी ऐसा भी बोल रही है बताओ बताओ, हमारे वहाँ तीन प्रकार के आड़ू होते हैं, दूसरा वैरायटी वाला चला है अभी, अच्छा जो ये सामने अभी तोड़ा है, अभी पैरा चलेगा इसके, पैरा ये वाला जो होता है रेड जून चले गया है, ये अषाढ़िया है, अच्छा रेड जून पहले आता है उसके बाद अषाढ़िया होता है, हाँ। फिर उसके बाद ये पैरा वाला चलेगा, हाँ। ये जाता है यहाँ से बम्बई, बम्बई भी दिल्ली भी हल्द्वानी भी, हल्द्वानी भी, हाँ। हल्द्वानी भी जो जहाँ बेचता है, अच्छा ठीक, तो मेरी ताई ने डिटेल्स में बता दिया आड़ू का क्या करता है, पुलम पुलम दिल्ली भी जाता है, बम्बई नहीं जाता, कल जाता है ना तक का हल्द्वानी वाला, हल्द्वानी और यहाँ दिल्ली तक, उज्जो जिम्मी 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 जिम्मी, ये तो एसी में रहने वाला कुत्ता है, भुटिया कहाँ से है, जिम्मी जिम्मी यहाँ पर देखो एक पेटी बन गई है, अगर मैं फिर मेरी पेटी हलवा नहीं आती, नहीं आती क्यों नहीं आती, थोड़ा पहले ले जाते, और इसमें आ गई है मेरी सब्जियाँ, क्या क्या लाया था इसमें, क्या क्या है इसमें, चलते हैं यहाँ से घर को,
भाभी आ तो रही हूँ ऊपर, याद है जमाने में तो कहा भारी याद है तो मैं पहुँच जाने लग गए हैं ताई के घर से अपने घर की ओर। और देख सकते हैं मेरे कंधे में है मेरी भतीजी, मतलब मेरी भतीजा कहते हैं, बुआ हूँ मैं इसकी। और हम इसको भी लेके जा रहे हैं ऊपर रोड तक घूमते हुए, पीछे जा ताई मम्मी लोग भाभी लोग आ रहे छोड़ने के लिए। और ये साइड में जो आप लोग को ये दिख रहे पेड़ है खुमानी के। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से अपने घर की ओर और करते हैं रामगढ़ को टाटा बाई बाई। हाँ सो गाइस सुबह का बजा 8:30 और कैची थाम के ऊपर देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है। आओ और भुट्टा ना खाओ, अभी अंकल बना रहे हमारे लिए भुट्टा। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।